सर, केस की पूरी डिटेल्स इस फाइल में है। मिस्टर श्री कुमार, केस इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर प्रकाश मेनन के असिस्टेंट थे ना आप? यस सर। जो लड़के भागे हुए थे उनके बारे में कॉलेज में क्या पता चला? सच कहूँ तो अच्छे क्लीन इमेज वाला ये ग्रुप था। उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत नहीं बोलता था। कॉलेज, गांव, घर में, यहाँ तक कि जेल में भी उनके बारे में अच्छा ही सुनने को मिला। केस के सिलसिले में कहीं बाहर ले जाते समय कभी भी हथकड़ी भी नहीं पहनाई है, क्योंकि किसी का कत्ल करने या पुलिस के नजरों से बचने के लिए उन त्रिमूर्तियों को नहीं होगा, यही एक भरोसा था। त्रिमूर्ति, आखिर उनको ये नाम त्रिमूर्ति मिला कैसे? कॉलेज के दोस्तों ने ही उनको प्यार से बुलाया था। उन तीनों को कभी किसी ने अकेले अकेले घूमते हुए नहीं देखा, उतना अच्छा रिश्ता था उनके बीच। एक बार खुद ही कंपोज करके गाना गाने से वो कॉलेज के चहेते बन गए थे। 1, 2, 3, 4 क्या है ये सनी, छोटे बच्चों जैसे? तू वो वीनू और राजीव को देख। हम लोगों की फीस भर के हमको सिखाने के अलावा। छह, क्या सनी, तुम लोग मेरे लिए अलग नहीं हो। वो सब छोड़ो, इस बार के इंटर कॉलेज सॉन्ग कंपटीशन में सब उम्मीदें तुम तीनों पर ही हैं। पता है, we are trying our level best. वो काफी नहीं है, I want you to be winners. मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं सुनूंगी। इस राधिका के अकेले के भरोसे मैं कुछ VIPs को इनवाइट कर रही हूँ। हमारे बच्चे जीत जाएं, वो चार लोगों को पता तो चले। और मैंने तुम लोगों को एक सरप्राइज न्यूज के लिए भी बुलाया है। टेंशन मत लो, परफॉर्मेंस देखने वाले VIPs में एक इंटरनेशनल ऑडियो कंपनी के चेयरमैन भी है। तुम लोगों के प्रोग्राम का CD भेजा तो उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है। सो वो आ रहे हैं मेरे बच्चों से मिलने। थैंक गॉड। थैंक यू मैडम। थैंक्स मुझे नहीं, तुम्हारे इस टीचर को बोलो। राधिका ने तुम्हारे CD को कंपनी तक पहुंचाया और उनसे कम्युनिकेट किया। और हाँ, गाना शाना सब तो सही है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई भी होनी चाहिए। हाँ, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ मैडम। इस साल ये तीनों 3 रैंक लेकर आएंगे। Get ready for a challenge. ये माधव के लिए। मेरे लिए नहीं, हमारे कॉलेज के लिए, हमारे कॉलेज का अभिमान ऊंचा करने वाले त्रिमूर्तियों के लिए। उनको ऐसे ही आगे बढ़ने दिया तो वो हमारे लिए कांटा बन जाएंगे। अरे वो सब छोड़। वही है इस कॉलेज के नए हीरोज। पता है, उनको खेलने दो ना। कहाँ तक खेल चलेगा मुझे सब पता है। अभी भी बॉल मेरे ही कोर्ट में है बेटा, वक्त आने पर मैं उस बॉल की हवा निकाल दूंगा, समझे? वैसे ही खेल खत्म हो जाएगा। हाँ, वन टू थ्री फोर। अरे बजाना बंद कर, हमारा प्रोग्राम हटा दिया है। क्यों, क्या हुआ? वो नहीं पता, अगली खबर आने तक म्यूजिक प्रोग्राम को बंद करने के लिए कहा है। चलो, क्या हुआ सेक्रेटरी से चल के पूछते हैं। हम सब ने पूरी रात जाकर इसकी प्रैक्टिस की, अभी प्रोग्राम बंद करने के लिए कह रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। चलो चलकर पूछते हैं, ये तो गलत है ना। सब लोग मुझे घेर के खड़े रहोगे तो क्या फायदा, मुझे और भी बहुत सारे काम है। हमारा प्रोग्राम बंद करके आप दूसरा काम मत करो। आखिर प्रोग्राम बंद करने की वजह क्या है, वो जाने बगैर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वजह यही है कि पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार हमारा प्रोग्राम देखने आ रहे हैं। बस मंत्री जी के आने के बाद उनकी बेटी का प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। उसी हिसाब से प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाए गए हैं। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा, यहाँ पे हर काम ऊपर से ऑर्डर आने के बाद ही होता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी सॉरी। सुनो, वंदना के पापा आए। फिक्र मत करो, सब सही होगा। हाँ, सब रेडी है ना, तो मैं वहाँ बैठता हूँ। हैं? सा 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 सरगम पापा पमगर रे 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 आ
तुम्हारा प्रोग्राम बंद करवा दिया, अब किसी और का डांस करवा रहे हैं, ये तो गलत है ना। ऐसा हुआ तो कॉलेज चेयरमैन होने पर मुझे बहुत दुख है। हाँ, सब चीजों के लिए ये लोग है ना साथ में। अरे महादेव, हमें झगड़ा नहीं करना है। अबे सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी प्रेस्टीज की बात है। तुम लोग सिर्फ मेरे साथ खड़े रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। माधव जो भी हो, आज नहीं तो कल प्रोग्राम होना ही है। आज अगर हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वो कल हमें तकलीफ देगा ना। तुम्हारे प्रोग्राम के टाइम पर उस कृष्ण कुमार की बेटी का डांस करवाया ना, उसकी कमी केवल मुझे ही नहीं, मेरे बाप पीके सुकुमारन को भी है। हारना किसे कहते हैं उसे भी पता चले। क्या तुम लोग मेरे साथ में आओगे या मैं तुम लोगों के साथ चलूं? नहीं वो तो ये चलो रे। क्या हुआ तुम लोग यहाँ पर? इनाज पूछो। सर ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ है। मैं पूछना, एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे आपकी बेटी और हम एक ही होने चाहिए ना। बात क्या है वो बताओ ना। मैं पूछना। अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे देखो तो लाइक कैसे करो? जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इंटर कॉलेज फेस्ट कवर करने आए, फोटोग्राफर ने मर्डर के वक्त ये फोटो निकाली। यही फोटो है उनके खिलाफ सबूत के तौर पर। मेरे हिसाब से केस आगे ले जाने में ये फोटो हमारी मदद करेगी। इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी जस्टिस ने उनको बाइज्जत रिहा कैसे किया? इसके नीचे एक और फोटो है सर, वो पहले निकाली थी। कृष्ण कुमार की जान बचाने के लिए राजू खुद चाकू निकाल रहा था, ऐसा कोर्ट में बताया गया है। जस्टिस की मौत में त्रिमूर्तियों का कोई हाथ है? अगर ऐसा कोई सबूत मिले तो मुझे जल्द से जल्द बताना। मर्डर के दिन वहां से तीन लोग भागकर जा रहे थे, ऐसा जज की बेटी रेणुका का बयान है। और उन लोगों ने पुलिस के हाथ से बचने के लिए जो जीप और गन चुराई थी वो उसी घर के पीछे से पुलिस को बरामद हुई है सर। सब सबूत और जज की बेटी के बयान के आधार पर देखा जाए तो उन तीनों को ही मद्देनजर रखते हुए केस आगे ले जाना चाहिए सर। इन्वेस्टिगेशन के समय में डॉग स्क्वाड थी कहाँ? था सर, डॉग स्क्वाड की मदद से सिर्फ हमें अभी तक एक चाबी का गुच्छा ही मिला था। पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मुजरिमों ने एक साजिश रची थी, वो सिर्फ प्रकाश सर जानते थे। हमें सबसे पहले जज के घर से शुरू करना चाहिए। सर यहीं पर जज की डेड बॉडी मिली थी। एक्सीडेंट में बेटे और बीवी की मौत के बाद और कुछ हुआ? और कुछ हुआ तो मुझे बताओ। ऐसा कोई खास रिश्ते के बारे में तो नहीं जानता, सिर्फ बेटी ही रहती है उनके साथ में। वो शादीशुदा है ना? जी हाँ, हस्बैंड फॉरेन में, बच्चे नहीं है। वो पहले ही चला गया था और इनको भी ले जाने की कोशिश की थी लेकिन ये तैयार नहीं थे क्योंकि वो अभी तक उनकी मौत के सदमे से निकल नहीं पाए। इनको लाना है कैसा? उस दिन सुबह यहाँ कोई आया था क्या जिसपे शक किया जा सकता है? दोस्त या कोई इंसान जिसपे शक किया जा सकता है? ऐसा कोई आया है याद नहीं आ रहा। देखो अच्छे से याद करके बताओ, कोई आया था क्या? नहीं, सर्वेंट्स को रखना पापा को पसंद नहीं है और ड्यूटी पे जो गुणमन थे उनकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है ये फोन आया तो पापा ने उन्हें छुट्टी दे दी थी। अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। तकरीबन सुबह के 3 बजे होंगे, कुछ आवाज सुन के मैं उठी, उनके विंडो से बाहर देखा तो 3 लोग भागते हुए दिखे। कुछ तो गड़बड़ है ये सोच के मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ी लेकिन तभी तक मेरे पापा ठीक है प्लीज।